ये देखे थोड़ा थोड़ा मैं डाल रही हूँ और फिर थोड़ा रुकती हूँ, फिर हल्का सा चम्मच हिलाती हूँ और छोड़ देती हूँ। जहाँ आपको लगे कि बस इतनी आपको थिकनेस चाहिए, वहाँ आप फिर कॉर्नफ्लोर बाकी का डालना छोड़ दें। मेरे लिए काफ़ी था इसलिए मैंने सारा डाल दिया है। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो गई है, ये तकरीबन तैयार है। अब इसमें चिकन ऐड होना है, मैं इसमें अब चिकन ऐड करने लगी हूँ। तब मज़ेदार सा कितना प्यारा कलर है देखें चिकन का, ये ऐड करूँगी और साथ ही मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी। वेजिटेबल्स में मैंने प्याज लिए हैं, क्यूब्स में कट कर लिए हैं, और मैंने स्लैंटी शेप में हरी मिर्ची कट कर ली हैं, ये भी मैं साथ ही डाल दूँगी। अब इसको बिल्कुल नहीं पकाना, हार्डली एक मिनट और पकेगा ये और ये हमारा रेडी होगा। ये अच्छी तरह मैं मिक्स कर दिया है और एक मिनट के लिए पकेगा और मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। देखिए कितना प्यारा कलर आया, कितना मज़े का लग रहा है। ज़्यादा पकने से क्या होता है कि चिकन भी इतना सॉगी हो जाता है, और क्रंची ही वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं। ज़्यादा पक जाए तो बिल्कुल टेस्ट नहीं आता, टेस्टलेस हो जाती हैं। चलें जी, अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मैं राइस तैयार करने लगी हूँ। राइस के लिए मैंने लिए हैं 6 से 7 अंडे लिए हैं, उसमें मैंने येलो फूड कलर ऐड किया है और अच्छी तरह फेंट लिए। ऑयल मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून लिए हैं और ठंडे ऑयल में मैंने ये अंडे डाले, इसलिए
कि अगर मैं गरम ऑयल में अंडे डाल देती तो वो एकदम से कलर उसका चेंज हो जाता, ब्राउन हो जाते, तो इसलिए मैंने ठंडे ऑयल में डाले हैं। मैं तो अमूमन अंडे इसी तरह अच्छी तरह मिक्स करके जब मेरे फ्राई हो जाते हैं तो मैं निकाल देती हूँ और फिर वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अंडों में ही वेजिटेबल्स ऐड कर लूँगी। वो इसलिए कि एक्चुअल मेथड भी वैसे यही है कि अंडों में ही वेजिटेबल्स ऐड कर ली जाएँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ वेजिटेबल्स। मैंने एक मीडियम साइज़ की गाजर ली है और एक शिमला मिर्च ली है जो मैंने ऐसे फाइन चॉप कर ली हैं। मोटी बिल्कुल मत रखिएगा वेजिटेबल्स को, क्योंकि बिल्कुल मज़ा नहीं आता चावलों में, छोटी छोटी कटी हुई वही टेस्ट आपको देंगी। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान कीजिएगा। चलिए अब इसमें जी जाएगा ब्लैक पेपर, वाइट पेपर। ब्लैक पेपर बस पिंच ऑफ ब्लैक पेपर डालना है हमने, और वाइट पेपर तकरीबन हाफ टी स्पून डलेगा। मैं ऊपर मेंशन भी आपको साथ साथ कर रही हूँ। और जी इसमें मैं डालूँगी नमक, आधी चम्मच मैंने नमक डाली है। चाइनीज़ सॉल्ट तकरीबन एक चम्मच, छोटी चम्मच टीस्पून डाला है। और जी इसमें जाएगा सिरका, सिरका तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। और फिर साथ साथ मिक्सिंग हो रही है, इसको भी ज़्यादा नहीं पकाना, ये वेजिटेबल्स क्रंची होंगी तो ही टेस्टी लगेंगी। अब इसमें जी मैं चावल ऐड करने लगी हूँ जो मैंने बॉईल करके रखे थे, थोड़े थोड़े करके डालूँगी, साथ साथ मिक्स करती रहूँगी, अच्छी तरह मिक्स करूँगी, कोई वाइट राइस ना रह जाए। ये लीजिए, ये देखिए फूड कलर जो मैंने डाला था अंडों में, उसकी वजह से चावलों में भी कितना खूबसूरत कलर आएगा। सोया सॉस इसमें तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून डलेंगे, ज़्यादा सोया सॉस नहीं डालूँगी वरना चावल का रंग ख़राब हो जाएगा। ये लीजिए चावल भी मेरे रेडी हैं, बिल्कुल मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये जी रेडी हैं मज़ेदार से एग फ्राइड राइस विद कैशनट चिकन, और आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बता दीजिएगा। शान से जब तक वॉइस ओवर ना करे तब तक ब्लॉग कंप्लीट नहीं होता। ये जी मेरी पेंट्री की, आज मैं थोड़ा उसको क्लीन अप करूँगी, काफ़ी दिनों से काफ़ी मैसी हुई हुई थी, सब चीज़ें ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाती हैं, तो मैंने सोचा चलें फ्री हूँ तो इसका भी एक वीडियो बना लेती हूँ ताकि आप सबको दिखा सकूँ इसको क्लीन अप करते हुए। इसमें सब वही बेसिक स्टफ़ होता है जो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कम यूज़ होती है, इसमें सब चीज़ें हैं जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ हो रही होती हैं, जैसे चाय की पत्ती है, नमक मिर्चें हैं और सिरका सोया सॉस वगैरह है। और क्लीनिंग प्रोडक्ट मैंने आपको अपनी पहले दिखा चुकी हूँ, उससे फटाफट से 2 मिनट में सारा ये साफ़ हो गया था। जब भी कोई ऐसा स्टेन कहीं पर हो जिसको काफ़ी मांजने की ज़रूरत हो तो वहाँ पर हमेशा मैं ये वाला जिफ यूज़ करती हूँ। ये थोड़ा ग्रेनी होता है, इसमें छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, जैसे आप स्क्रब कह लें, स्क्रब की तरह होता है, तो वो निशान जल्दी से उतार देता है, कोई भी निशान होता है तो फटाफट से देखे उसने कितना सर्फेस को एकदम से क्लीन कर दिया। तो इस तरह जो भी कोई स्टिकी चीज़ हो, कोई कुछ चीज़ चिपकी हो, गंद लगा हो, ग्रीस हो, तो उसके लिए ये वाला जिफ बहुत अच्छा होता है। ये मेरे कुकिंग स्प्रे हैं, अब आजकल मैं शायद मैं डाइट स्टार्ट कर दूं तो ये कुकिंग स्प्रे बहुत काम आएंगे, तो जब भी देखें अब कब ये डाइट स्टार्ट होती है। तो इस तरह करके मैं सारा चीज़ें सेट कर लूँगी, जो चीज़ें रोज़ यूज़ होती हैं वो आगे होंगी, जो चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं वो पीछे चली जाएंगी। और इसके साथ ही जी मेरी पेंट्री क्लीन अप हो गई है, अब थोड़ा सा बाहर भी सफाई कर लेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज जो रेसिपी दी है चाइनीज़ की वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कैशनट चिकन और एग फ्राइड राइस की,
ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा बना था। और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारा ये चैनल देखते रहिए और हमेशा की तरह हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।